आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। शहर शहर खबर खबर में आप सभी का स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। हर पार्टी में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी भी 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसको लेकर हुई बैठक में पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार अपने सफलतम 9 साल 30 मई को पूरे कर रही है। इसके लिए प्रदेश नेतृत्व के अनुमंशा मंडल, शक्ति केंद्रों एवं बूथ स्तर तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और संगठन की सक्रियता को सुनिश्चित करना है। बता दें कि यह अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। तो आपको बताते चले कि लोकसभा चुनावों को लेकर अब भाजपा जो है वो जमीनी स्तर पर उतरने की तैयारी करती हुई दिखाई दी है। तो वही 30 मई से 30 जून तक एक विशेष अभियान भी भारतीय जनता पार्टी का चलाया जाएगा और ये अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल ने इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी भी साझा की है। तो भाजपा चलाएगी जनसंपर्क अभियान और यह अभियान 3 चरणों में होगा। 30 मई से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल जो है वो 30 मई को पूरा हो रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक यानी कि तकरीबन 1 महीने तक एक विशेष अभियान चलाएगी, जिसमें जनता को साधने का बखूबी प्रयास किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल ने इस पूरे अभियान की जानकारी भी साझा की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरा होने वाला है, ऐसे में तमाम कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किए जाएंगे, क्या कुछ इन कार्यक्रमों में खास देखने को मिलेगा? उगाने का बात की जाए तो देश के अंदर एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार, 9 साल पूरे होने के बाद आपको बताएं कि 30 मई को कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री का जिम्मा संभालते हुए नवा साल होगा और इस दिन को खास बनाने के लिए बीजेपी एक मेगा प्लान की है, जिसको आपको बताएं कि 30 मई से और 30 जून तक सरकार की जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं उससे कहीं ना कहीं जनता को लाभ हुआ है। इसको कहीं ना कहीं मंचों से भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता से संवाद करके बताते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो 30 मई से और 30 जून तक अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी देश भर में अलग अलग कार्यक्रम रखे और प्रधानमंत्री की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसको लेकर अगर बात की जाए तो तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगर बात की जाए तो देश के लगभग 51 बड़े नेता मंचों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे और बताएंगे, साथ ही साथ क्या बदलाव आया है इस पे कहीं ना कहीं जनता से चर्चा भी करेंगे। ठीक है विभाजन, जिस तरीके से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा 30 मई से लेकर 30 जून तक और यह अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा ऐसा भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है, तो वो 3 चरण किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल डिसाइड किए हैं? जी, साफ तौर से अगर बात की जाए तो 30 मई से इस अभियान के शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। उनके द्वारा एक चुनावी आपको बता दें कि एक सभा की जाएगी, सभा के माध्यम से कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो उनकी नीतियां हैं और उनके विकास कार्य हैं, चाहे विदेशों से संबंध हो या बात करें तो तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे जनधन योजना हो, चाहे बात करें तो किसानों की योजना हो, चाहे बात करें तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं, इसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जनता के बीच उस योजनाओं की बखान करते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए अनुसार जिसको 3 चरणों में डिवाइड किया गया है और बात करें तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ राजस्थान में लोक विधानसभा के चुनाव है, तो इन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं विशेष करके सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ लोकसभा की तैयारी चल रही है उससे ठीक पहले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपने 9 साल के कार्यकाल को बताते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारी भी करेगी। तो अगर बात करें तो 3 पेजों की, तो 3 पेज
देश के अलग अलग कोनों में बांटा गया है। अगर बात की जाए तो इसके लिए बीजेपी अपने 51 नेताओं की लिस्ट बनाई है जो चुनावी जनसभा में कहीं ना कहीं नजर आएंगे। आपको बताएं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता कहीं ना कहीं मंचों से भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल को जनता के बीच बताएंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले जो पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है या जनसंपर्क लगातार करती है, वो अपने 9 साल के कार्यकाल को बताएगी तो ये नतीजा साफ तौर से चुनावी नतीजों पे नजर आएगा। ठीक है, विभांशु भी आपने जिक्र किया कि एक जो लिस्ट है वो भी तैयार कर ली गई है ताकि जो भी प्रचारक है वो जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम करेंगे इसको लेकर तैयार किया लगभग पूरी कर ली गई है। अभी आपने ये भी जिक्र किया कि देश भर के तमाम कई ऐसे प्रदेश है वहां भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, तो यूपी की तो तैयारी बखूबी हो चुकी है, रोड मैप तैयार कर लिया गया है, लेकिन जो बाकी बचे हुए प्रदेश है वहां पर किस तरीके से इन 9 सालों का जो कार्यकाल है उसका बखूबी बयान करने के लिए किस तरीके से भाजपा एक्टिव है? जी, इसको एक अभियान के तहत पूरे देश भर में चलाने की तैयारी है। अगर बात की जाए नुकसान तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी यानी कि पूरे देश में कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम नजर आएगा। आपको बता दें कि इसमें चुनावी सभा के रूप में एक जनसभा होगी और साफ तौर से देश के प्रधानमंत्री देश के अलग अलग जगहों पर आने वाले दिनों में उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ जाएगा और कहां कहां जनसभा करेंगे इसकी घोषणा लिस्ट आ जाएगी, इसकी सूचना आ जाएगी। मगर कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री देश भर में अलग अलग जगहों पर जाकर और कहीं ना कहीं जो एनडीए की सरकार है उसका बखान करते हुए नजर आएंगे। और जहां देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे वहां पर जो 51 नेताओं की लिस्ट बनाई गई है उनकी कहीं ना कहीं उनको वहां भेजा जाएगा अलग अलग कोनों में। साफ तौर से इस अभियान को एक बेहतर नतीजे पर लाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए तमाम जो सांसद है तत्काल में या जो रनर अप सांसद है या जो पूर्व सांसद है, क्षेत्रीय तमाम पदाधिकारी है, विधायक है, इन तमाम लोगों को निर्देश भी दिया गया है इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दे। अब देखने वाली बात ये होगी कि देश भर में जहाँ इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं, इससे लोकसभा के चुनाव के नतीजे पर कितना असर आता है। ठीक है, विभांशु लगातार जो भाजपा के कार्यकर्ता है, जो भाजपा के नेता है, वहां पर बैठकों का दौर जारी है, रणनीति को तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से 2024 के चुनावों को लड़ा जाएगा, योजनाएं क्या है, लेकिन जो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ समीक्षा बैठक ही कर रही हैं, वो जमीनी स्तर पर फिलहाल एक्टिव नजर नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल, अगर सुनना करके एक तराजू पे रख के देखा जाए मुस्कान, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में हर एक दिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते हैं, जनसंपर्क के तमाम ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं। और अगर देखे तो विपक्षी दल कहीं ना कहीं अभी लोकसभा की तैयारियों में बीजेपी की तुलना में कहीं ना कहीं पीछे है। अगर बात करें तो अब तक ये समीकरण नहीं बन पाया है कि क्या विपक्षी दल जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस के साथ होंगी या अलग थलग होंगी, इस पर भी बात नहीं बनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके एक अलायंस एनडीए की तरफ से लगातार 2024 चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं और साथ ही लोकसभा से पहले जो 5 राज्यों में चुनाव है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, हलचल तेज है, चुनावी प्रचार भी तेज है, मगर विपक्ष पूरी तरह से शांत नजर आता है। और देखने वाली बात यह होगी कि 24 की लड़ाई विपक्ष कैसे लड़ता है, क्योंकि बिल्कुल विभांशु लगातार तमाम प्रदेशों के नतीजे भी आए, निकाय चुनाव के भी नतीजे हमने यूपी में देखे कि किस तरीके से जो नेता जमीनी स्तर पर नहीं उतरे उसका खामियाजा उनको नतीजों में भुगतना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हार से आखिर सबक क्यों नहीं ले रही है, वो जमीनी स्तर पर एक्टिव क्यों नहीं हो रही है? जी, साफ तौर से अगर देखा जाए तो सभी विपक्षी राजनीतिक दलों के अंदर में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने का उत्तर प्रदेश में एक समीक्षा बैठक की गई और सभी दलों की समीक्षा बैठक संपन्न हो गई है। जहां अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही अपनी समीक्षा बैठक में 19 सीटों को चयन कर लिया है, जहां पे कांग्रेस पार्टी एक मजबूत स्थिति में नजर आई थी 2019 के चुनाव में, ऐसी सीटों पर फोकस करने की चर्चाएं चल रही है। तो वही समाजवादी पार्टी की तरफ से 50 सीटों जो कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 50 सीटों पर समाजवादी अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस और सपा के बाद आरएनडी भी लगभग 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है।
और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक जीत का सिलसिला है उसको तोड़ने के लिए विपक्ष को अब कहीं ना कहीं एक होना पड़ेगा। और विपक्ष अभी अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कहीं ना कहीं सक्रियता में बहुत पीछे है, और आने वाले समय में अगर विपक्ष एक होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के अलायंस एनडीए को एक बड़ा चुनौती मिलेगा, क्योंकि अगर बात करें कांग्रेस की अलायंस यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस अभी पूरी तरह से अलग थलग है और किसी दल के साथ तालमेल बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। और आने वाले दिनों में अपेक्षा लगाई जा रही है तमाम क्षेत्रीय दलों की से कि कांग्रेस पार्टी के साथ कहीं ना कहीं वो जुड़ेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी की बिल्कुल विभांशु जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियों के लिए चुनौती है काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है, और जिसके लिए विपक्षी पार्टियों को अब एकजुट होकर कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर एक्टिव होने की खासी जरूरत है। धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही पीएम सम्मान निधि योजना के कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को जो है कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगो भी लॉन्च किया है। ऑडिटोरियम में ये लोगो लॉन्च किया गया है, लोक भवन ऑडिटोरियम में इस लोगो को लॉन्च किया गया है, कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगो को लॉन्च किया है। तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो संबोधन में साफ तौर पर कहा है कि इस लोगो को तो लॉन्च किया जा रहा है, इससे साफ तौर पर जो किसानों को लाभ मिलेगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना का लाभ सीधे किसानों को मिलेगा। तो लोक भवन ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस खबर पर एक बार फिर से हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, पीएम किसान सम्मान निधि के आज जो लोगो है उसे लोक भवन ऑडिटोरियम में लॉन्च किया है, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, उसकी मुख्य बातें क्या रही विभांशु? जी, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि, जो कि कहीं ना कहीं इसकी 13वीं किस्त किसानों को जाने वाली है, और प्रधानमंत्री का दावा है कि किसान सम्मान निधि के आने के बाद से उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ देश के किसानों में एक अलग तरह की उनको मदद मिली है और उनके अंदर कृषि को लेकर एक चेतना जगी है। आज बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किसान सम्मान निधि के दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया गया और दर्शन पोर्टल के लोगों को भी लॉन्च किया गया। साफ तौर से अगर मुख्यमंत्री के संबोधन को अगर हम समरी के तौर पे देखें तो उनका कहना था कि प्रदेश के अंदर में लगभग 2.5 करोड़ किसान सम्मान निधि से उनके किसानी में बेहतरी आई है, और उनका कहना है कि 2024 तक कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में जो हमारी सीमा है 2.5 करोड़ की, उसको हम बढ़ाकर 4 CR तक यानी कि 4 करोड़ तक ले जाएंगे। और उनका कहना है कि प्रदेश के अंदर में किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों के अंदर में कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिक खेती है उसकी तरफ अग्रसर हुए हैं। अगर बात करें तो परंपरागत खेती यानी कि धान गेहूं गन्ना के बाद अब किसान कहीं ना कहीं औद्योगिक खेती के तरफ बढ़े हैं। औद्योगिक खेती की अगर बात करें ठीक है विभांशु, योजनाएं तो तमाम लाई जा रही है, और ये भी आपने जिक्र किया बखूबी कि ये पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, लेकिन अभी तक जो योजनाएं लागू की गई है कहीं ना कहीं किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, फिर चाहे वो MSP की बात करी जाए, क्योंकि बीते दिनों भी एक तस्वीर सामने आई जहाँ आगरा के किसान अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे कि उनको जो उनके फसलों का मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जहाँ एक तरफ सीएम योगी पीएम वाई योजना को लेकर बखूबी कहीं ना कहीं बखान करते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि तेरहवीं किस्त कहीं ना कहीं किसानों को बेहतरी आएगी, वही आप करके अगर सवाल का जिक्र करें तो बीते दिन आगरा के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने को लेकर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से अपनी शिकायत करने गए, और साफ तौर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी कानून बिल आने के बाद जब सरकार ने उस बिल को रद्द किया था और किसानों को इस बात पर आश्वासन दिया था कि MSP यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस पर किसानों के जो उत्पाद है उसको सरकार खरीदेगी, मगर किसानों में कहीं ना कहीं अभी अगर देखा जाए तो अभी आपने देखा कि धान के फसल कटे, साथ ही साथ गन्ने के फसल कटे, जिसमें तय रेट के अनुसार किसानों को भुगतान न मिलने से किसान कहीं ना कहीं प्रदेश भर में इससे नाखुश है, और सरकार को इस विषय में अपनी
दृष्टि इस तरफ दिखानी होगी और उनके समस्याओं को निदान दिलाना होगा, क्योंकि एक प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि किसान से कहा जाता है कि देश चलता है और आधी आबादी गाँव में रहती है जो खेती करती है, और हमारा देश शुरू से ही कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देख रहा है, तो निश्चित तौर से किसानों को जो अन्नदाता है उनके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर जो उनके उत्पाद है उनको खरीदने के दावे किए जाते हैं, मगर ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि जहां किसान MSP पर खरीद उनके फसलों की खरीदी नहीं हो रही है, जिसका निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री शिव प्रताप शाही को कहीं ना कहीं अपना निगाह लगाना होगा और किसानों की समस्याओं से निदान दिलाना होगा। ठीक है, बिल्कुल हिमांशु, दिलचस्प होगा देखना। लेकिन ये जो PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एक लोगों को लॉन्च किया गया, वाकई में लगता है कि इस योजना का जो असर है वो धरातल पे देखने को मिलेगा, क्या वाकई में किसानों को इस योजना से लाभ मिलेगा? जी, अगर बात की जाए तो किसान सम्मान निधि अगर देखे तो देश भर में सबसे ज्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश में है, और मुख्यमंत्री का दावा है कि किसान सम्मान निधि के जो 2,000 रुपए की किस्त किसानों को मिलती है साल में 3 बार, उसकी 13वीं किस्त अब आने वाली है, और उनका कहना था मुख्यमंत्री का कि निश्चित तौर से इससे उत्तर प्रदेश के किसानों के अंदर में कहीं ना कहीं बेहतरी आई है, मगर बात करें तो देश के अंदर में महंगाई अपने चरम सीमा पे है और किसानों की जो लागत है वो कहीं ना कहीं अब ज्यादा हो गई है। अगर बीते दिन से तुलना करें, अब अगर बात करें तो DAP की खाद हो या NPK हो या यूरिया हो, सबके दाम आसमान छू रहे हैं, और महज 2,000 रुपए में किसानों को जिंदगी में किसानी में कितनी बेहतरी आती है वो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर बात करें तो यूरिया हो, पोटास हो या जिंक हो या सल्फर हो, तमाम जो चीजें उपयोग होती है खेती में, उसके दामों में इजाफा हुआ है लंबे समय से, और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो किसानों को जिस रहा है इससे काफी नुकसान भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी लागत के जो उनकी लागत हो रही है उतनी आमदनी नहीं हो रही है, और किसान सम्मान निधि के जो छोटे किसान है उनको निश्चित तौर से लाभ हुआ है, क्योंकि अगर बात करें तो उनके पास लागत के तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से 2,000 रुपए मिल रहे हैं, जिससे निश्चित तौर से अब वो छोटे किसान कहीं ना कहीं इसका लाभ ले पा रहे हैं, मगर जो बड़े किसान है तो निश्चित तौर से इस योजना से कहीं ना कहीं लाभ लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद दिव्यांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां CM योगी आदित्यनाथ ने लोगों को भी लॉन्च किया, तो वही हमारे सहयोगी ने साफ तौर पर जिक्र किया कि जो छोटे किसान हैं उन्हें तो इसका लाभ मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े किसान हैं वो फिलहाल इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यूपी में हाल में संपन्न नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी हार मिली थी। इसके बाद पार्टी मुख्यालय में हुई समीक्षा के बाद बसपा प्रमुख मायावती लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में आज बसपा बूथ कमेटियों में बदलाव करेगी। इसको लेकर कमेटियों में बदलाव के लिए फीडबैक लेना भी शुरू कर दिया गया है। तो आज से बूथ कमेटियों में बड़ा बदलाव करती हुई नजर आएगी बहुजन समाज पार्टी। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी अब BSP लगातार जुट गई है, क्योंकि नाटक चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर भी जो मायावती है वो लगातार अपने पदाधिकारियों के साथ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करती हुई नजर आई है। तो आज से बूथ कमेटियों में बदलाव भी किया जाएगा, जिसको लेकर कमेटियों में बदलाव के लिए फीडबैक भी लेना अब शुरू हो गया है। तो बूथ कमेटी में बदलाव करने की तैयारी लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती करती हुई नजर आई है। तो वहीं आपको बताते चले कि ये सारे मायावती के तेवर अब इसलिए नजर आने लगे हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे, यानी अकेले 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए उन्होंने तमाम प्रदेश के जो भी पदाधिकारी हैं जो भी कार्यकर्ता है उनको निर्देश दिया है कि वो पार्टी की पकड़ को मजबूत करें, लोगों से मुलाकात करें, धरातल पर काम करें, और जो भी काम बसपा की सरकार में हुए हैं उसका बखान करते हुए जो जनता है उसको अपने पक्ष में लाने का काम करने का जिम्मा भी अब बसपा के सभी पदाधिकारियों को सौंप दिया गया है। तो वहीं आज कमेटियों में बदलाव के लिए फीडबैक लेना भी शुरू किया गया है। आज से बूथ कमेटियों में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार समीक्षा बैठक कर रही है, बैठकों का दौर जारी है। तो वही अब से बूथ की कमेटियों में भी बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है और कमेटियों में बदलाव के लिए फीडबैक लेना भी शुरू कर दिया गया है।
तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बसपा सुप्रीमो मायावती अब पूरी तरीके से एक्टिव नजर आई हैं, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद ही जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं अब उससे सीख लेते हुई बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि लगातार बसपा मुख्यालय से लेकर मायावती के आवास तक बैठकों का दौर जारी है, जो पदाधिकारियों से मुलाकात हो रही है, नेताओं से मुलाकात हो रही है और 2024 की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है कि आखिर किस तरीके से 2024 के जो चुनावी मैदान है उसमें उतरा जाए। तो वही आज से बूथ कमेटी में भी बदलाव हो सकता है, इसको लेकर फीडबैक भी लेना शुरू कर दिया गया है। तो आज से बूथ कमेटी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में जुट गई हैं मायावती जी। हाँ, जिसके लिए फीडबैक लेना भी अब शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि जब से निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं 13 मई को, तब से लगातार मायावती के आवास या यूं कहे कि बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है, नेता जो है वो लगातार मायावती से बैठक करते हुए मुलाकात भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चले कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी लगातार एक्टिव नजर आ रही है और बूथ कमेटी में बदलाव भी करने की तैयारी में है, जिसके लिए फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। वही कर्नाटक चुनाव और नगर निकाय चुनाव के नतीजों से सीख लेने के बाद कहीं ना कहीं मायावती अब एक्टिव नजर आई है। करेंगी बहुजन समाज पार्टी, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से जुट चुकी है और आज से बूथ कमेटी में बड़ा बदलाव भी किया जाएगा, जिसको लेकर अब फीडबैक भी लेना शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और ईडी ने उनके करीबियों के खिलाफ अब छापेमारी की कार्रवाई भी लगातार शुरू कर दी है और दिल्ली के शराब नीति मामले में छापेमारी भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि ईडी ने आज संजय के साथियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के आवास पर रेड मारी है। वही संजय सिंह ने ईडी की इस कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर ईडी अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया, इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही है। आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों के घर पे छापेमारी की गई है। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने ना झुकूंगा ना रुकूंगा, ना मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। आपसे लड़ेंगे, आपको उजागर करेंगे पूरे देश के सामने, ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इसको उजागर करके रहूंगा, भले ही सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़े, उच्च न्यायालय में जाना पड़े, इस दादागिरी और तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। आज सुबह जानकारी मिली कि मेरे साथी अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, इन लोगों के घर पे छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा। ये जबरदस्ती की तानाशाही और गुंडागर्दी जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप सारे हथकंडे अपना चुके, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला, अब मेरे साथियों के यहां ये कार्रवाई, ये प्रताड़ित करने की कोशिश, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई अंतिम दम तक।
तो संजय सिंह पर जब ईडी ने शिकंजा कसा तो कहीं ना कहीं संजय सिंह की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आई। आपको बता दें कि संजय सिंह के करीबियों पर भी लगातार छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली। तो संजय सिंह पर जब ईडी ने अपना शिकंजा कसा तो संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ये तानाशाही है और बीजेपी तानाशाही करती है, यानी बीजेपी को तानाशाहों की पार्टी बताते हुए संजय सिंह ने अपना रोष साफ तौर पर व्यक्त किया है। तो वहीं आपको बताते चले कि संजय सिंह के बाद अब उनके करीबियों पर भी ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है और लगातार छापेमारी का दौर जारी है। तो संजय सिंह पर ईडी ने शिकंजा कसा है। तो दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर के ये छापेमारी की कार्रवाई एक बार फिर से संजय सिंह के आवास पर देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार मुश्किलों का पहाड़ टूटता नजर आ रहा है। संजय सिंह पर ईडी ने कार्रवाई की है और वही संजय सिंह का आरोप है कि जब मेरे घर पर कुछ नहीं मिला तो ईडी ने अब मेरे करीबियों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी, छापेमारी करना शुरू कर दिया और अब मेरे करीबियों को परेशान भी किया जा रहा है। पूरे आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी लगातार परेशान कर रही है क्योंकि ये पार्टी तानाशाहों की पार्टी है और इस पार्टी में तानाशाही चलती है। यही वजह है कि ईडी ने ये छापेमारी की कार्रवाई की है। और संजय सिंह ने कहा कि जब ईडी ने मेरे घर पर छापा मारा तो मेरे आवास से जब ईडी को कुछ नहीं मिला तो ईडी ने अब मेरे करीबियों पर भी छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो संजय सिंह पर ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, करीबियों पर शुरू की छापेमारी की कार्रवाई, जिस पर संजय सिंह ने एक जुबानी वार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश के लिए काम किया जाए, प्रदेश की जनता के लिए काम किया जाए। यही वजह है कि मेरे भी घर पर ईडी की छापेमारी करवाई गई है और करीबियों पर भी जो ईडी का शिकंजा है वो कसवाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ी है। सुहानी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, आखिर इस कार्रवाई के बाद से संजय सिंह की बौखलाहट क्यों देखने को मिल रही है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी के कई बड़े ऐसे नेता हैं जिसपे शराब घोटाले मामला, बस घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के ऐसे कई संज्ञान जो है बड़े नेताओं पे आरोप लग चुके हैं। वही अब बात करें तो इसमें कई पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी हिरासत में है और सत्येंद्र जैन भी हिरासत में है। आपको बता दें कि ये जो अब ईडी है वो लगातार आम आदमी के कई बड़े नेताओं के छापेमारी की है और उसमें से आ रहा है सांसद संजय सिंह, उनपे भी छापेमारी की, लेकिन कुछ ना मिलने के बाद उनसे माफी भी मांगा गया। अब संजय सिंह के जो जितने भी उनके सहयोगी हैं, उनके जो मित्र हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनपे भी छापेमारी कर रहे हैं और आज अजीत त्यागी और जो सर्वेश मिश्रा हैं उनके घर पे छापेमारी हो रहा है। तो इसको लेकर जो सांसद संजय सिंह हैं वो लगातार जो केंद्र सरकार पे लगातार वो हमला बोलते हुए आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये बीजेपी सरकार है वो तानाशाही कर रही है, ईडी के साथ मिलके वो जितने भी बड़े नेता हैं उनको बर्बाद करने के लिए सिर्फ झूठे आरोप केस में फंसाना चाहती है और इन सभी मामलों को हम ईडी को पूरी दुनिया के सामने उसे बेनकाब करेंगे क्योंकि ये ईडी जो है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के इशारों पर चल रही है और ये पूरी झूठे मामले लेकर हम लोग को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो लगातार ऐसे संजय सिंह जो बयान देते रहे हैं, केंद्र सरकार पे हमला बोलते रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन सुहानी ये आरोप पहली बार नहीं लगे हैं कि मोदी सरकार के इशारे पर ईडी अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है, इससे पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं ईडी पर। जी मुस्कान, वही आपको बता रहे हैं कि जो ये लगातार जो संजय सिंह पे आरोप लगा रहे हैं, वही अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि हमने ऐसा कोई भी घोटाला नहीं किया है, ये सिर्फ जो बीजेपी सरकार है हमें बर्बाद करना चाहती है, जैसे कि उद्धव ठाकरे इधर शिवसेना को बर्बाद किया अब वो मुझे बर्बाद करना चाह रही है, इसलिए ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं। वही आपको बात करें तो आज अरविंद केजरीवाल आज अध्यादेश के खिलाफ आज जाके उद्धव ठाकरे से आज बैठक भी करने जा रहे हैं, वही ममता बनर्जी से भी वो मिल सकते हैं इसके समर्थन देने के लिए। तो जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि सिर्फ बीजेपी सरकार हमें बर्बाद करना चाहती है, ऐसा कोई घोटाला हमने नहीं किया है। वही दूसरी तरफ ईडी का दावा है कि 100 करोड़। बिल्कुल ठीक है सुहानी, लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी संजय सिंह ने तो साफ तौर पर कहा कि जब मेरे आवास पर छापेमारी की कार्रवाई की गई तो उस दौरान कुछ नहीं मिलने पर टीम ने माफी मांगी, लेकिन अब उनके जब करीबियों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई तो वहां से क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या इसकी अपडेट मिल पा रही है आपको?
जी आपको मुस्कान बता दें कि अभी तो छापेमारी हो रही है, अभी कोई ऐसा अपडेट सामने नहीं आया है। अगर अपडेट सामने आएगा तो जरूर संजय सिंह उसका बोलेंगे, कि उनका साफ तौर पर कहना है कि अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा जो ऐसे हैं कि उनके पास कुछ नहीं मिल सकता है, आप छापेमारी कीजिए चाहे कुछ भी करिए, आपको ऐसा कुछ, क्योंकि जब ईडी ने संजय सिंह के घर पर भी छापेमारी की थी उस वक्त वो वहां पे नहीं थे, वो दिल्ली में थे अरविंद केजरीवाल के साथ, और छापेमारी के उनका कुछ नहीं मिला तो ईडी उनसे माफी भी मांगी। उनका साफ तौर पर कहना कि हम ऐसा कुछ काम नहीं किए हैं जिससे ईडी हम पे गिरफ्तार कर सकती है, उनका यही और ईडी का कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली की जेल में बंद महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर चिट्ठी लिखी है, जो इस बार उसने दिल्ली सरकार नहीं बल्कि जेल प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाए हैं। बता दें कि सुकेश ने एनएचआरसी को चिट्ठी लिखकर जेल अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने इस लेटर में आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों ने उसे अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और पूर्व जेल डीजी संदीप गोयल के खिलाफ दिए गए बयान को वापस लेने को कहा है। इसे लेकर उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। वही ठग सुकेश शेखर ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि अधिकारियों ने उसको धमकी देते हुए कहा कि अगर वो अब बयान वापस नहीं लेते हैं तो टिल्लू ताजपुरी और अंकित गुर्जर की तरह उसको भी जेल में मार दिया जाएगा, यानी कि जेल में उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। और सुकेश ने आरोप लगाया कि उससे प्रोटेक्शन मनी की मांग की जा रही है। तो सुकेश चंद्रशेखर महाठग, जिसका नाम अभिनेत्रियों के भी नाम जुड़ा है, वही सुकेश चंद्रशेखर ने अब एक चिट्ठी लिखते हुए जेल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़नाएं दी जा रही है, और उसे कहा जा रहा है कि अगर वो अपने बयानों को वापस नहीं लेता है तो उसे मार दिया जाएगा, जैसे टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। कलीम, सुकेश चंद्रशेखर ने एनएचआरसी को एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में किन बातों का जिक्र है? देखिए, जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद है तो इस जेल में बंद होने के साथ जिस तरीके से उनके द्वारा जो है बयान दिए गए थे, उन बयानों को लेकर के जो है कहा जा रहा है कि अब जो चिट्ठी लिखी है उसमें चिट्ठी में जेल प्रशासन पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। क्योंकि पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि जिस तरीके से जेल के अंदर भी रह करके नेटवर्क चलाए जाते हैं और जिसमें जेल प्रशासन का पूरा सहयोग भी देखा जाता है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जिस तरीके से जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, और तिहाड़ जेल की जो बात की जाए तो तिहाड़ जेल में अभी आपको खुद मालूम है कि टिल्लू तेजपुरिया की हत्या हुई थी, इससे पहले भी कई हत्याएं हो चुकी हैं। फिलहाल जो चिट्ठी लिखी गई, इन चिट्ठियों में उसके द्वारा कहा गया है कि उसको जो है जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है सुकेश चंद्रशेखर को, और उसको बयान बदलने की बात भी कही जा रही है और उस पर दबाव दिया जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उसकी भी जेल में हत्या करने की बात कही जा रही है। फिलहाल ये जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों पर जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जेल के अंदर एक बड़ा नेटवर्क भी संचालित होता है, क्योंकि जेल के अंदर से ही पूरे जो माफिया होते हैं वो बड़ा रूप लेते हैं और पूरा नेटवर्क संचालित करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहर शहर खबर खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।